हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम हुआ है 15 मार्च के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, चाहे वो आपका रीजनिंग का पार्ट हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट हो, चाहे वो आपका वर्बल एबिलिटी का पार्ट हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग सेक्शन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम के अंदर आए हैं, 15th मार्च के अंदर आए हैं, जो भी टॉपिक्स थे, जो भी क्वेश्चन थे, सारे की सारी कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो के अंदर होने वाला है। एंड इस वीडियो के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज लेके आ चुका हूँ, विच इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आ चुका हूँ, जस्ट 19 रुपीज 19। आप सभी स्टूडेंट्स को भी सोच के चंबा होगा कितने एक मिनिमम रेट के अंदर भैया मॉक टेस्ट लेके आ चुके हैं। सिर्फ आप लोग के लिए इस मिनिमम रेट पे हमने सेट किया, जिससे सारे के सारे स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को ले एंड इस मॉक टेस्ट से अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करे। सो कैसे मॉक टेस्ट लेना है वो वीडियो के अंदर सारी चीजें पता चल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, एंड चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। अभी आप लोग के लिए बहुत सारा टॉप नॉच लेवल कंटेंट आने वाला है, टीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन। अभी आप लोग विद इन 1 or 2 डेज के अंदर वीडियोस देखते रहोगे कि अभी बहुत सारे वन शॉट क्रैश कोर्स आने वाले हैं। सो गाइस, अभी अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं टॉप नॉच लेवल कंटेंट लेके आता रहा हूं। सो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे वीडियो आएगी आप सभी स्टूडेंट्स तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सो गाइस, अब बात करने वाले जो आज के एग्जाम के रूल्स थे, अभी आप लोग के अपकमिंग टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम होगा, सो रूल्स, इन रूल्स को ध्यान रख लेना। एंड काफी स्टूडेंट्स ने इन रूल्स को ध्यान में नहीं रखा है एंड उनका पेपर बेकार हुआ है। सो गाइस, सबसे पहले नो सेक्शन स्विचिंग। काफी स्टूडेंट्स ने क्या किया है, काफी स्टूडेंट्स ने पहले जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन है, सो न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड सोचा कि बाद में हम न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन वहां पर अटेम्प्ट कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, वहां पर आप क्वेश्चन तो स्विच कर सकते हो, क्वेश्चन तो स्विच कर सकते हो, बट आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑफलाइन सेंटर एग्जाम। काफी स्टूडेंट्स अभी भी डाउट में है, क्या भैया एग्जाम ऑनलाइन होगा, क्या है भैया एग्जाम ऑफलाइन होगा। सो गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, आपने जब एग्जाम फिल किया होगा, आपने जब रजिस्ट्रेशन की होगी, वहां पे आपसे सेंटर नियर है सेंटर की, वहां पे आपसे लोकेशन पूछी गई होगी एंड वहां पे आपने सेलेक्ट की होगी। सो जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, उस लोकेशन पे ही आपको एग्जाम मिलने वाला है। 99% ऑफ द केस जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी चूज की थी, सपोज आपने नोएडा चूज किया हो, गुड़गांव चूज किया हो, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी उस पे ही आपका एग्जाम होने वाला है, ऑफलाइन सेंटर एग्जाम। नेक्स्ट, सेक्शन वाइज टाइमर। सो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे एग्जाम जो हमारा है वो 3 घंटे का हमें पूरा टाइम मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया है कि आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप सेक्शन वाइज ही आपको वहाँ पे टाइमिंग मिलेगी। जैसे एक सेक्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, सो वहाँ पे 29 मिनट्स या 30 मिनट्स, हर एक सेक्शन का एक डिसाइडेड मिनट्स है, आप लोग देख सकते हो, पहली वीडियोस के अंदर भी मैंने बताया। सो वहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको विद इन टाइमर वहाँ पे अपना सेक्शन कंप्लीट करना होगा। नो निगेटिव मार्किंग, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। प्लीज प्लीज कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, जो क्वेश्चन नहीं भी आता है उस पर जो भी गैस कर सकते हो वो आंसर वहां पे चूज करके आना, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है। सो आपके नंबर तो कटने वाले नहीं है, सो इसलिए हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, विच इज मोस्ट नेसेसरी। नाउ मूव टू द टॉपिक्स, टीसीएस एनक्यूटी एप्टीट्यूड टॉपिक्स। सो आज के एग्जाम के अंदर 15th मार्च की कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो के अंदर आपको ला के दे दी है, बस आपका काम है कि कंप्लीट देखना, एंड तक देखना। अभी हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले, पहले हम एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद वर्बल एबिलिटी एंड उसके बाद कोडिंग क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एप्टीट्यूड के अंदर परसेंटेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हाई वेटेज रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन। आज के स्लॉट में 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क के पे भी 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ पे देखे गई है। स्पीड एंड डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के टीसीएस एग्जाम के अंदर आए हैं। एंड कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जो सिलेबस के अंदर तो थे बट वो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर नहीं आए हैं। सो हमें सबसे पहले अपना टारगेट ये रखना है, जिस टॉपिक की ज्यादा वेटेज है, जिस सपोज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले उस टॉपिक को कवर करना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी 1 to 2 क्वेश्चन। सो ये हमारे एप्टीट्यूड के टॉपिक्स थे। अब मैं आप लोग को मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे ले सकते हो। हर एक स्टूडेंट्स को लेना है, जस्ट 19 रुपीज का हमने मॉक टेस्ट रखा है एंड एक टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चन की शीट देने वाला हूँ। सारे के सारे इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चन कवर किए गए हैं, अभी एक पीडीएफ देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में।
सो अब चलते हैं पीडीएफ की तरफ। तो गाइस पीडीएफ के लिए आपको डायरेक्टली आना है टॉमेट पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आप अपना रेज्यूमे रिव्यू, यहाँ पे रेज्यूमे रिव्यू का सेक्शन मिल जाएगा, आपको रेज्यूमे रिव्यू करा सकते हो फ्री में। एंड यहाँ पे रेफरल का आपको सेक्शन मिल जाएगा, विद इन 15 मिनट्स आप रेफरल ले सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर। अब बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ के बारे में। सो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे सर्विस बेस्ड मॉक इंटरव्यूज के सेक्शन में आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। एंड आपको इस प्रोफाइल पे जाना है, अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। 16 मार्च को TCS फ्री अनकिटी रॉड मैप एक कंप्लीट वेबिनार होने वाला है एंड ये फ्री है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे ₹0 आप देख सकते हो। सो गाइस अभी के अभी आप इसमें अपनी सीट ले लो। अब बात करने वाला है पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ आपको जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे प्रोफाइल पे, यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी TCS NQT कोडिंग क्वेश्चन पीडीएफ करके, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये TCS NQT कोडिंग क्वेश्चन पीडीएफ फ्री में, इसको एक्सेस कर लेना। अब बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, TCS NQT कंप्लीट मॉक टेस्ट। यहाँ पे कुछ इशू होगा बट ये ₹19 का, दिस इज नॉट अ फ्री, आपको जाना है इस पे एंड यहाँ पे करने हैं ₹19, गेट दिस, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप लोग कहोगे भैया तो ₹69 हो गया, आप तो स्कैम कर रहे हो हमारे साथ। स्कैम नहीं है, आपको ये हटा देना है, गेट इंस्टेंट आंसर्स, जस्ट ₹19 कन्फर्म एंड पे। एंड अभी मैं मॉक टेस्ट भी आपको दिखाऊंगा कि ये मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड इस मॉक टेस्ट से काफी स्टूडेंट्स को हेल्प हुई है, ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स को हेल्प हुई है, अब बारी आप लोग की है अभी के अभी इस मॉक टेस्ट को ले लेना। गाइस बात करते हैं मॉक टेस्ट की, एक बार मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट दिखा देता हूँ। TCS NQT मॉक टेस्ट कंप्लीट टॉपिक्स कवर्ड, यहाँ पे टाइमर रहने वाला हर एक सेक्शन के अंदर। न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपको अपना टाइमर ओपन करना है 10 मिनट्स का, आपको अपने आपसे टाइम लेना है, 1 घंटे का कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक टॉपिक पे हमने क्वेश्चन कवर किया, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, देन फिर रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन आ गया। यहाँ पे भी 10 मिनट्स का टाइमर रहने वाला है। ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ओड वन आउट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस, एज पजल, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। देन नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा वर्बल एबिलिटी का, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेसिस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन स्पीच, पैरा जम्बल्स एंड नेक्स्ट आपके आंसर्स। हर एक आपको सेक्शन के आंसर मिल जाएंगे लास्ट में, जिससे आप पहले अपना खुद से आपको जज करना है, बाद में आंसर मैच करना। न्यूमेरिकल एबिलिटी आंसर के सारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के आंसर रहने वाले हैं, देन रीजनिंग एबिलिटी के, देन आपके वर्बल एबिलिटी के, उसके बाद कोडिंग सेक्शन, 2 कोडिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। पहले आपको खुद अटैम्प्ट करना है, देन उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं सो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। सो ये कंप्लीट मॉक टेस्ट मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया कैसे आपको लेना है। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, पीडीएफ्स ले लो बिल्कुल फ्री में। मॉक टेस्ट के लिए आपको जस्ट ₹19, आप लोग के लिए एक बहुत मिनिमम अमाउंट सेट किया, ₹19 अभी के अभी इसको ले लो। गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अभी के अभी अपने मॉक टेस्ट ले लेना एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सो गाइस अब बात करते हैं रीजनिंग टॉपिक्स की। 2 डाइस इज गिवन, फाइंड अपोजिट वन, इस टाइप के क्वेश्चंस आए। कोडिंग डिकोडिंग, 2 to 4 कोडिंग आपके डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए हैं रीजनिंग एबिलिटी के अंदर। सो कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है सिलोजिस, 2 to 3 क्वेश्चन एंड ये सारे पैटर्न के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मॉक टेस्ट के अंदर कवर किए हैं, सो वहां से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन, 3 to 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ब्लड रिलेशन वाला। ए इज अ फादर ऑफ बी, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आने वाले हैं एंड आपको प्रॉपर्टीज रिलेट करनी है कि कौन किसका फादर है, कौन किसका सन है, कौन किसका आंट है, कौन किसकी नेफ्यू है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट है वर्बल एबिलिटी, रीडिंग पैसेज, 2 क्वेश्चंस रीडिंग पैसेज के बेसिस पे आए थे। आपको एक कंप्लीट पैसेज मिलेगा, उसके बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ 3 to 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, वे आपको अटेम्प्ट करने होंगे एंड ये 2 पैसेज इस बार आए हैं। सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन आए हैं, 3 to 4 क्वेश्चन आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग के 4 क्वेश्चन आए हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें से एरर फाइंड करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, 2 to 4 क्वेश्चन। नाउ मूव टू द कोडिंग पार्ट, फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट बिटवीन द गिवन रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यू आर गिवन 3 नंबर्स इन ए ऑपरेशन, सेलेक्ट एनी 2 नंबर एंड 1 to both एंड सब्ट्रैक्ट 1 to rest आफ्टर परफॉर्मिंग एनी नम्स ऑफ ऑपरेशन सच डेट ऑल नम्स बिकम इक्वल, फाइंड मिनिमम ऑपरेशन एल्स -1। एंड अगर आप लोग को इनका कोड चाहिए
सो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा इनके कोड के साथ, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो। क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, कोडिंग क्वेश्चन का लेवल इजी टू मीडियम लेवल आया था इस बार, एंड अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड का लेवल मोस्टली इजी रहा था, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, बट ओवरऑल द लेवल एक्सेप्ट कोडिंग इजी लेवल रहा था, ठीक है। कोडिंग का लेवल थोड़ा सा मीडियम लेवल बोल सकते हो, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी कोडिंग की, आप इजिली अटेम्प्ट कर लोगे। अभी बहुत जल्दी कोडिंग का भी क्रैश कोर्स आने वाला है, सो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी बताओ कि भैया क्रैश कोर्स लेके आओ जल्दी जल्दी, एंड जितनी ज्यादा सब्सक्राइब्स होगी, जितनी ज्यादा कमेंट्स होगी, उतनी जल्दी आप लोग को वीडियोस देखने को मिलेगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप सो आप सभी स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल चल रही हो।